तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल की जो फोटोज ऐप होती है दोस्तों, उसके अंदर नया अपडेट आया या फिर बोल सकते हैं नए फीचर एड ऑन कर दिए गए हैं। क्या ये नए फीचर एड ऑन किए गए, आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको बता रहा हूँ गूगल फोटोज के नए अपडेट और नए फीचर के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने गूगल फोटोज ऐप को आपको अपडेट कर लेना है। प्ले स्टोर में जाके सबसे पहले आपको उसको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपको उसको ओपन कर लेना है, नहीं तो आपको हो सकता है वाले फीचर्स ना मिले। तो ये फीचर्स जो है, ये है कोलाज को लेकर। तो मैं अपनी फोटोज पे आ जाता हूँ, जिसको मैं आपको कोलाज करके बता रहा हूँ। लाइक मुझे कुछ फोटोज को कोलाज करना है, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करा, मैंने 2 से 3 फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया कोलाज के लिए। ठीक है, कॉलाज करने के लिए आपने यहाँ पर सेलेक्ट करा, यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे और नीचे आपको मिलेगा कॉलाज का ऑप्शन। जैसे आप उस पर कॉलाज पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा और ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट दिए रहेंगे, आप जिस फॉर्मेट में यूज़ करना चाहें उस फॉर्मेट में इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। ये सब आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नया चेंजेस क्या किया गया है, यहाँ पर नया चेंजेस ये किया गया है, अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसको जूम आउट जूम इन कर सकते हैं कि कितनी फोटोज़ में कैसा रहे। तो आप यहाँ से जूम आउट भी एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं आता था, अब आपको यहाँ पर जूम का ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया है। तो आपको ये जूम का ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया है, जो कि पहले नहीं आता था। साथ में इसमें और नए चेंजेस किए गए, जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। एडिट पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक वो वहाँ पर खुल जाएगा। इसको एडिट करने पर आपने लाइक यहाँ पर कोई कलर एडिट करा या कुछ भी चीज़ यहाँ पर एडिट करी, मान लो आपने ये एडिट करा और उसके बाद आपने यहाँ से डन कर दिया, तो जैसे ही डन करेंगे वो ऑटोमेटिक वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो वो वहाँ पर वर्क हो जाएगा डायरेक्टली। तो आप इस तरीके से उन एक एक फोटोज़ को एडिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी और नए चेंजेस दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपको रिप्लेस का ऑप्शन दे दिया गया है। आपको करीब फोटो यहाँ से चेंज करना है तो आपको रिप्लेस पर क्लिक कर देना है और दूसरी फोटो को वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो सबसे पहला चेंजेस जो दिया गया है वो इसी के अंदर दिया गया, बहुत अच्छे से आप इसको कोलाज को क्रिएट कर पाएंगे इन सब चीज़ों के द्वारा। सेकंड जो अपडेट दिया गया है दोस्तों, वो है मेमोरी का। जैसे कि अगर आपके पास मेमोरीज, जैसे आपकी आईडी पुरानी होगी तो आपके पास मेमोरीज भी आती हैं कि यार ये इस दिन आपने ये करा था, जैसे कि ये दिख रही है डिवाइस मेमोरी आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पर कभी कभार सॉन्ग लगा हुआ भी आता है, आप देखेंगे तो वहाँ पर सॉन्ग लगा हुआ भी आता है। उन सॉन्ग में क्या आ गया है, अब अगर आप इसको शेयर करेंगे तो आप यहाँ पर शेयर मेमोरी पे क्लिक करके उस सॉन्ग को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये सॉन्ग सामने वाले को शेयर हो या ना हो, और उसको अनटिक भी कर सकते हैं। तो एडिट में क्लिक करके और आप अनटिक और टिक करके भी वहाँ पर देख आउट सकते हैं, मतलब कि आप जो भी आपकी मेमोरी है आप उसको यहाँ पर शेयर आउट कर सकते हैं अच्छे से। जिसके बाद नई चीज़ ऐड ऑन की गई है वो है शेयरिंग को लेके। अगर आप किसी को यहाँ पर कुछ शेयर करते हैं, शेयर एल्बम पार्टनर शेयर करते हैं, तो यहाँ पर आप उसको और अच्छे से डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है और शेयर करने के आपके कुछ कुछ यहाँ पर कुछ ना चेंज आउट किया गया है। आप पहले वाला देखेंगे और इसमें यहाँ पर पूरा व्यू को शेयर आउट कर दिया गया है। तो यही नया अपडेट यहाँ पर दिया गया और यही नए फीचर ऐड ऑन किए गए। मेन फीचर यहाँ पर कॉलाज वाला है, जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें कुछ कमी है तो हमें डिसलाइक भी सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू।